नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी अभिभावकों को। मैं आपका अपना डॉक्टर विजय कुमार, आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता के मूल मंत्र की। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, हर विद्यार्थी जीवन में सफल होना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि हम जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में सफल हों। मैं मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो हैं उनके आधार पर मैंने मेरा मूल मंत्र जो है उसकी चार बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप भी उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। कोशिश करें कि उसका आउटपुट आपको भी मिले। मैंने मेरे जीवन में चार मंत्र जो हैं उनको उतारा है और वो छोटे से चार मंत्र मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। पैर में चक्कर हो, मुँह में शक्कर हो, दिल में क्रांति हो, दिमाग में शांति हो। मेरा मतलब इन चार जो बातें हैं इनको मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँगा। मैंने कहा पैर में चक्कर हो। पैर में चक्कर से मतलब है इंसान मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। अगर वो हार्ड वर्कर है, मेहनत करता है, तो जीवन में उसको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहा गया है नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। इसलिए इंसान को जीवन में हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बड़े इंसान बने हैं, जिन्होंने जीवन में अपने सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन में यूं ही सफलता प्राप्त नहीं की है, उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की है। उस मेहनत का ही परिणाम है कि वो जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में आगे बढ़े हैं। दूसरा मैंने बताया मुँह में शक्कर हो। जब मनुष्य हार्ड वर्क करता है, उसके साथ साथ में उसका मितव्ययी होना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, ऐसा कोई भी शब्द जो दूसरे को आहत पहुंचाए, दूसरे को दिल के ठेस पहुंचाए, ऐसा कोई भी शब्द हम सबको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मुंह में शक्कर होनी चाहिए। शक्कर का मतलब है हमें दूसरे को झूठ नहीं बोलना है, खुश करने के लिए बोलना सत्य है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई वाणी नहीं निकले जो दूसरे के दिल को आहत पहुंचाए, दूसरे के दिल को हमारी वजह से किसी प्रकार से कोई ठेस पहुंचे, ऐसी कोई वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात है दिल में क्रांति। दिल में क्रांति से मतलब है किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। कहा गया है जीत के लिए जुनून चाहिए, हो जिसमें उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी धरती पर आएगा यारो, बस इरादों में आपके जीत की गूंज चाहिए। अर्थात हमें जीतना है तो उसके लिए हमारे को जीतने की गूंज, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। इसलिए हमारे को हार्ड वर्क करते हुए हमारे अंदर से जिज्ञासा उस कार्य में सफलता प्राप्त करने की अवश्य होनी चाहिए। निश्चित है वो सफलता जो है वो हमारी ओर आगे बढ़ती ही चली जाएगी। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिमाग में शांति हो। दिमाग में शांति से मतलब है जब हम हार्ड वर्क करेंगे, जब हम सब काम करते रहेंगे, मीठा भी बोल रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा भी है, लेकिन यदि हम गुस्से वाले हैं, यदि हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता है, हमारे दिमाग में उफान चलता रहता है, किसी दूसरे को नुकसान करने की बात दिमाग में आती रहती है, तो वो हमें सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं छोटी सी बात बताऊँगा, आपने पानी को देखा होगा, जब पानी नदी में बहता है और उस नदी में बहते हुए पानी में यदि उबाल है, उफान पर नदी है, तो उस समय आपने देखा होगा उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पत्ते, सब कुछ उसमें मिक्स होकर के चलते रहते हैं। और यदि उस पानी में हम ऊपर से नीचे की सतह को देखना चाहें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये उफान पर जब पानी है, उफान पर जब नदी है, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। सेम वही कंडीशन हमारे दिमाग की होती है। जब हमारा दिमाग गुस्से में होता है, उफान पर होता है, गुस्सा करता है, तो हमें दूसरे के प्रति, हमारे खुद के प्रति कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसलिए दिमाग को शांत रखेंगे। शांत रखने से क्या होगा, जैसे स्थिर पानी को आपने देखा होगा, स्थिर पानी तालाब में आपने देखा हो, स्थिर पानी जब रहता है तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो उस पानी में ऊपर से नीचे तक यदि कोई कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं तो आपको उसमें वो कंकड़ पत्थर उस पानी में से नजर आ जाते हैं। अर्थात यदि हमारा दिमाग भी स्थिर होगा तो हमारे दिमाग स्थिर रहने से हमारे को हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे आगे भविष्य के प्रति सब कुछ आपको नज़र आएगा। आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कब आएंगी, जब आपके दिमाग को शांत रखेंगे। इसलिए आप इन चार मूल मंत्रों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। निश्चित है आप भी एक सफल इंसान होंगे, भारत के, पूरे देश के एक सफल इंसान के रूप में आप भी आगे आएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।